दोस्तों एक चंपू टीवी चालू करता है और उसमें देखता है कि एक जॉम्बी की मूवी आ रही होती है और मूवी में हो रहा ये होता है कि उसमें एक जॉम्बी एक लड़की को काट लेता है और वो पूरी तरह से एक जॉम्बी बन जाती है और ये सब देख के चंपू की तो फटके हाथ में आ जाती है। तभी दोस्तों गेट पे कोई आ जाता है और चंपू दौड़ के जाता है, पहले तो घबरा जाता है और गेट खोलता है तो दोस्तों सच में एक जॉम्बी होता है, ये हाथ में जोरदार काट लेता है और चंपू दौड़ के जाता है सीधा चाकू लेकर अपना हाथ ही काट लेता है। तभी चंपू दोस्तों देखता है कुछ ऐसा जिसे देख के आपके भी होश उड़ जाएंगे। उसे देखने से पहले अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है। दरअसल दोस्तों आज पार्टी होती है इसलिए अपने कॉस्ट्यूम में घूम रहे होते हैं। इधर ये नकाब उठा के देखते हैं ये चंपा की चंपू होती है, मतलब गर्लफ्रेंड होती है। आज दोस्तों स्कूल में प्रोग्राम होता है जिसे ये चंपू जीत जाते हैं और चंपू के सामने 3 गेट रखे जाते हैं जिसमें दोस्तों बहुत बड़ा इनाम होता है और चंपू देख के सोच में पड़ जाता है साला कौन सा गेट वाला इनाम लूं। और दोस्तों चंपू 2 नंबर सिलेक्ट, चंपू साला 2 नंबर गेट उठा के ले जाता है, उसमें गाड़ी होती है लेकिन गाड़ी नहीं ले जाता और चंपू गेट लेके चले जाता है। वाह वाह कैसे कैसे लोग हैं। तो एक चंपू को मून पे भेजा जाता है और चंपू मिसाइल में जाता है और मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। तभी चंपू मिसाइल में उंगली करने लग जाता है, तभी दोस्तों अचानक कैप्सूल अलग हो जाता है जिसे देख के चंपू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सारे बटन दबा देता है। तभी दोस्तों उसमें कुछ खराबी आ जाती है जिसके कारण रफ्तार तेज हो जाती है और सीधा जाके वो स्पेस में पहुंच जाता है। उसके बाद में चंपू की तो फटके हाथ में आ जाती है और चंपू मैप देखता है, मैप में उसे घंटा समझ में नहीं आता। रॉकेट एक ग्रह के पास पहुंच जाती है, चंपू उसमें उंगली करने की कोशिश करता है लेकिन वो सही होने का नाम नहीं लेती। धीमे धीमे दोस्तों सालों बीत जाती है और चंपू बुड्ढा हो जाता है। तभी अचानक ये सिर्फ एक से टकराती है और ये देखता है कि पृथ्वी पे आ गया और पृथ्वी को चूमने लग जाता है। चंपू जैसे ही हेलमेट उतारता है उसका कुपड़ा उड़ जाता है। दरअसल दोस्तों ये एक एलियन की चाल होती है। दोस्तों एक दादी पार्क में आती है और कुछ बतखों को खा डालती है। उसके बाद में दोस्तों दादी का कोई नहीं होता जिंदगी में और दादी अकेली होती है। जब भी दादी का मन होता है बतखों को खाना खिलाने के लिए आ जाती है और बतख के बेचारे बहुत ही प्यार से खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद तभी दोस्तों एक दिन दादी बतखों को खाना खिला रही होती है, हमें एक बुड्ढे की एंट्री होती है और बुड्ढे को दादी से प्यार हो जाता है, दादी को भी बुड्ढे से प्यार हो जाता है और दोनों दोस्तों चले जाते हैं टूर पे घूमने के लिए। मस्त ये घूमते हैं और दोस्तों साथ ही झूला झूलते हैं। उसके बाद में दोस्तों ताजमहल का भी फोटो खिंचवाते हैं, काफी जगह घूमने जाते हैं दोस्तों, झरने का भी मजा लेते हैं और दोस्तों जोरदार किस कर तो बुड्ढे और बुड्ढी का प्यार खत्म ही नहीं हो रहा और इधर बेचारे बतख टपक जाते हैं। दोस्तों एक बार बुड्ढे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसका मरने का इंतजार बुड्ढी कर रही होती है लेकिन ये बुड्ढा मरने का नाम ही नहीं ले रहा। और तभी दोस्तों अचानक ऐसा टाइम आता है कि इसकी मशीन रुक जाती है और बुड्ढी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन दोस्तों मशीन दोबारा चालू हो जाती है लेकिन बुड्ढी बहुत दुखी हो जाती है कभी ये बुड्ढा मरे और टाइम काटने लग जाती है। लेकिन बुड्ढा तो मरने का नाम नहीं ले रहा होता है, कभी दादी किताब पढ़ती है कभी टेबल पे ही सो जाती है। लेकिन दोस्तों वो पल आ ही जाता है जिस टाइम पे मशीन बंद हो जाती है, बुड्ढा टपक दोस्तों बुढ़िया वहां से जाने लग जाती है। ये क्या दोस्तों, ये तो मेंटेनर का तार बुढ़िया के हाथ में लगा होता है और बुढ़िया की मौत आई होती है। वाह।